हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुचिता बत्रा। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट लुधियाना गैस्ट्रो एंड गायनी सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर डन ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ लेबर। आपको इस बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। सो हमारी प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया है कौन से पेशेंट्स को इंडक्शन ऑफ लेबर की जरूरत होती है। अब हम आपको बताएंगे व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ लेबर एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। सो बेसिकली ऑन द डे ऑफ योर इंडक्शन ऑफ लेबर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। यू हैव टू रिमूव ऑल द ऑर्नमेंट्स, एनी काइंड ऑफ नेल पेंट्स, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ परफ्यूम्स, एंड यू हैव टू टेक अ प्रॉपर बाथ इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर द पार्ट। आफ्टर दैट, वंस यू रीच द हॉस्पिटल, आपका एक कार्डियो टोकोग्राम किया जाता है। There is a machine with two probes, जिसको abdomen पे attach किया जाता है, and then there is a film that is recorded, approximately 10 to 20 minutes. We see whether the baby is doing fine at the time or not. अगर baby के heart rate भी ठीक है, accelerations भी अच्छे हैं, decelerations भी नहीं है, then we go ahead with the induction of labor. During this process, there's a term that I want you to know. It's called as cervical priming. Cervical priming is all about ripening of the cervix. अगर किसी person को on and off mild pains आते रहते हैं from 32 weeks onwards, so the cervix it becomes soft. जब cervix soft होता है, it becomes dilatable also. These patients, they have got a very good chances of getting into a normal labor with the induction of labor. But there are a few patients जिसमें even at 38, 39 weeks of pregnancy, the cervix is going to be firm to hard. किसी तरीके का उसमें कोई डायलिटेशन नहीं होता है, लेंथ भी थॉरली इंटैक्ट 3-4 सेंटीमीटर होता है। सच पेशेंट्स आर लेस लाइकली टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इंडक्शन ऑफ लेबर, हाउएवर इट स्टिल हैज टू बी ट्राइड। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज द बिशप स्कोर। इसके अंदर 1 से लेकर 13 तक हम लोग लेबलिंग करते हैं। लेस देन 6 का मतलब होता है दैट देयर आर पुअर चांसेस, एंड मोर देन 6 का मतलब होता है दैट देयर आर गुड चांसेस। इसके अंदर हम लोग कुछ फीचर्स लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, लाइक सर्विस की सॉफ्टनेस, उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंसिबिलिटी, उसका टेक्सचर। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी डिसाइड एंड वी लेट यू नो व्हाट आर द बिशप स्कोर एट द मोमेंट एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। नाउ आफ्टर दीज थिंग्स आर डन, द सीटीजी इज टेकन, द बिशप स्कोर इज इवैल्यूएटेड, पेशेंट हैज टू गो एंड पास यूरिन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन दे लाई इन अ लिथोटोमी पोजिशन। जिस पोजिशन में यूजुअली हम लोग को पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं विद द लेग्स वाइड अपार्ट, वी एग्जामिन द सर्विक्स, एंड आफ्टर दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस तरीके का एजेंट यूज कर रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। इट कैन बी आइदर द जेल, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल। प्रोस्टाग्लैंडिन वो चीज होती है जो नेचुरल लेबर पेन्स को भी इंट्रोड्यूस करती है। सो विद द हेल्प ऑफ आइदर अ जेल और आइदर अ सपोजिटरी, वी पुट इट इनसाइड द सर्विक्स एंड द वजाना। वी नेवर पुट इट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, उसके कारण एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो सकता है एंड द यूट्रस कैन गेट एक्सेसिव स्टिमुलेटेड, रप्चर यूट्रस, फीटल हार्ट डिस्ट्रेस हो सकता है। देन देयर इज अनदर मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर व्हिच इज स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। वी यूज अवर ग्लव्ड फिंगर टू पुट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एंड द यूट्रस, वी स्वाइप देम इनसाइड द यूट्राइन कैविटी सो दैट द लोकल एंड नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे गेट रिलीज्ड एंड द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इट स्टार्ट्स। Then there's a drug called as the oxytocin. इसको हम लोग उन्हीं patients में use करते हैं जिसमें बहुत अच्छा primed cervix हम लोगों को मिलता है। The cervix is well primed, 1-2 centimeter dilated मिलता है। In such patients we use the diluted oxytocin and then we increase and keep on increasing the dose till the time we attain good uterine contractions. There is a role of some natural methods also like catheter, like laminaria tent, although most of them are mainly obsolete. So, किस तरीके से इसे किया जाता है? We ask the patient to lie in a lithotomy position with the help of a gloved finger. We either put the gel or we put the tablet or the pessary in the cervix and the vagina. After that, we take another CTG. हम दोबारा एक CTG करते हैं to establish कि baby has not been poorly affected by the induction of labor. Then, the patient is allowed to roam about after an hour. एक घंटे के लिए उनको rest करवाते हैं and after that they can move around so that they are able to tolerate the pain better. Then intermittently after every 30-40 minutes हम लोग baby का heart rate देखते हैं and then we do a repeat pelvic examination anywhere around 4-6 hours
एंड देन अगेन वी इंट्रोड्यूस द मेडिसिन अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं. नाउ इन केस इवन आफ्टर ट्वाइस द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन द रिजल्ट्स आर नॉट गुड, अगर इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं हुआ है, सर्वाइकल चेंजेस नहीं हुए हैं, पेन्स अच्छे नहीं आए हैं, देन देयर कैन बी टू थिंग्स दैट वी कैन डू. आइदर वी कैन वेट फॉर द पेन्स टू इंक्रीज, वी लीव द पेशेंट फॉर 12 आवर्स अगर फीटल हार्ट रेट वगैरह सब ठीक है. इन केस इफ दैट इज नॉट द केस सिनेरियो, वी कैन टेक अप द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो इफ द बेबीज कंडीशन गेट्स वर्सेंट और द मैटरनल कंडीशन गेट्स वर्सेंट.